अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मिस पाल की क्लास में आपका खुश आमदीद। आज हम क्लास सिक्स की साइंस के चैप्टर नंबर वन जानवरों और पौधों के सेल और पौधों और जानवरों के सेल्स के दरमियान फर्क, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल एंड डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बारे में पढ़ते हैं। इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आप इस काबिल होंगे कि जानवर के सेल और पौधे के सेल की बुनियादी साख्त की शक्ल बनाकर उसे लेबल कर सकें और उसकी वजाहत कर सकें। जानवर के सेल का पौधे के सेल के साथ मवाजना और तजाद कर सकें, सेल के हर हिस्से का फेल बयान कर सकें ताकि निशानदही हो कि सेल किस तरह जिंदगी को सपोर्ट करता है। आइए टेक्स्ट बुक और वीडियो की मदद से पौधों और जानवरों के सेल की बुनियादी साख्त को समझते हैं। मैं एक सेल हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आपकी बॉडी सेल से बनी होती है और एनिमल्स और प्लांट्स की भी। सेल्स को सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। जानवरों और पौधों के सेल्स कई लिहाज से एक जैसे होते हैं, लेकिन चंद एक फर्क भी मौजूद होते हैं। एक सेल के कई हिस्से होते हैं जो यहाँ पर वाज़ेह देखे जा सकते हैं। सेल वॉल। पौधों के सेल का बैरूनी गलाफ सेल वॉल कहलाता है। ये एक सख्त मादे सेल्यूलोस से बनी होती है। सेल वॉल सेल को सहारा और महफूज शक्ल देती है। जानवरों के सेल्स में सेल वॉल नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन। जानवर के सेल का बैरूनी गलाफ सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। पौधों के सेल्स में ये सेल वॉल के नीचे मौजूद होती है। सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर और बाहर जाने वाले मादों की हरकत को कंट्रोल करती है। साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद झिल्ली की तरह का मादा साइटोप्लाज्म कहलाता है। इसमें पानी और दूसरे कीमियाई मादे होते हैं। इसमें बहुत से सेल ऑर्गेनेल्स यानी सेल की छोटी छोटी साख्तें मौजूद होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये नालियों का एक जाल है। सेल के अंदर मादा जात की हरकत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए होती है। माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के वो हिस्से हैं जो सेल्स को एनर्जी फराहम करते हैं। क्लोरोप्लास्ट। पौधे के सेल के वो हिस्से हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है। ये सूरज की एनर्जी जज्ब करते हैं। पौधे इस एनर्जी को खुराक की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं। वैक्यूल्स। वैक्यूल्स फालतू मादों, पानी, हवा और खुराक के जर्रात को जखीरा करते हैं। पौधों के सेल्स में एक बड़ा वैक्यूल मौजूद होता है, जबकि जानवरों के सेल्स में ये छोटे और तादाद में ज्यादा होते हैं। सेंट्रियोल्स। जानवरों के सेल के न्यूक्लियस के करीब दो सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। ये जानवरों के सेल्स की तकसीम में अहम किरदार अदा करते हैं। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल का सबसे अहम हिस्सा होता है। ये सेल्स की तमाम सरगर्मियों को कंट्रोल करता है। इस तरह न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। न्यूक्लियस के गिर्द एक पतली मेम्ब्रेन होती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस में बहुत सी धागानुमा साख्ते क्रोमोसोम्स भी मौजूद होते हैं। पौधों के सेल में वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस सेल वॉल के करीब होता है, जबकि जानवरों के सेल्स में न्यूक्लियस सेल के सेंटर में होता है। पौधों और जानवरों के सेल में कई हिस्से होते हैं। आइए एक एजुकेशनल गेम सिमुलेशन के जरिए इनको डिटेल से समझते हैं। सेल मेम्ब्रेन। जानवर के सेल का बैरूनी गलाफ सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। पौधों के सेल में ये सेल वॉल के नीचे मौजूद होती है। सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर और बाहर जाने वाले मादों की हरकत को कंट्रोल करती है।
माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया सेल के वो हिस्से हैं जो सेल को एनर्जी फ्राहम करते हैं। सेंट्रियोल्स जानवर के सेल के न्यूक्लियस के करीब दो सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। ये जानवर के सेल की तकसीम में अहम किरदार अदा करते हैं। न्यूक्लियस सेल का सबसे अहम हिस्सा इसका न्यूक्लियस है। ये सेल की तमाम सरगर्मियों को कंट्रोल करता है। इस तरह न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद जेली की तरह का मादा साइटोप्लाज्म कहलाता है। इसमें पानी और दूसरे कीमियाई मादे होते हैं। इसमें बहुत से सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। सेल के ज्यादातर अफाल साइटोप्लाज्म में वकूअ पज़ीर होते हैं। सेल वॉल पौधे के सेल का बैरूनी खिलाफ सेल वॉल कहलाता है। ये एक सख्त मादे सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल वॉल सेल को सहारा और मखसूस शक्ल देती है। क्लोरोप्लास्ट पौधे के सेल के वो हिस्से हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है। ये सूरज की एनर्जी जज़ब करते हैं। पौधे इस एनर्जी को खुराक की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं। आइए कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन को सोचते हैं। जरा सोचिए, सेल मेम्ब्रेन में बहुत से छोटे छोटे सुराख होते हैं। इन सुराखों का क्या मकसद है?